अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर बशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट वन की पोएम नंबर 8 जो है ना वो देखेंगे। पोएम नंबर 8 है ओज़िमेंडियास। ओज़िमेंडियास, तो सबसे पहले डिटेल में आते हैं इसकी। ओज़िमेंडियास के राइटर हैं पर्सी बैशी शैले। पर्सी बैशी शैले बेसिकली इंग्लिश पोइट है, 1792 टू 1882, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। तो सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ फैरो। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो एंशंट इजिप्टियन किंग्स थे उनका जो बेसिकली टाइटल था, उनको जो है ना किंग नहीं कहा जाता था बल्कि फैरो बोला जाता था, जिसको हम आम उर्दू जबान में फिरौन बोलते हैं। तो जो कदीम मिस्र के जो बादशाह थे, ये बेसिकली उनका टाइटल था फैरो, जिसको हम फिरौन बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक कदीम मिस्र के एक फिरौन के बारे में है, ठीक है, जिसका ओरिजिनल जो नेम था वो बेसिकली था रमेसिस टू। रमेसिस टू का ताल्लुक 13th सेंचुरी बीसी से है, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 13 सदियां पहले रमेसिस टू एक एंशंट इजिप्टियन किंग था, जिसको जैसे मैंने जिक्र किया, जिनको फैरो बोला जाता है। तो बेसिकली आज की पोएम पे हम अगर हम बात करें तो इसमें थीम जो हमें मिलेगा वो प्राइड ऑफ अ मैन, इंसान के गुरूर के बारे में है। डेथ इज़ अ ग्रेट लेवलर, जो मौत है वो हर चीज़ को आनी है, हर चीज़ को फना कर देती है। लाइफ इज़ मर्सीलेस, ज़िंदगी जो है वो बेरहम है। तो सबसे पहले हम इस रीडिंग पे आते हैं। पोएम नंबर 8, ओज़िमेंडियास, पर्सी बैशी शैले, इंग्लिश पोइट है। I met a traveler, मैं एक मुसाफिर से मिला, from an antique land, जो एक कदीम सरजमीन से आया था। Who said, जिसने कहा, क्या कहा? अब वो जो traveler है उसने poet से ये कहा, क्या कहता है? Too vast, दो बड़ी, and trunkless, और धड़के बगैर, legs of stone, पत्थर की बनी टांगें, stand in the desert, सहरा में खड़ी हैं। यानी कि एक मुसाफिर है, वो पोइट से मिला है और मुसाफिर बताता है कि मैं जिस रास्ते से गुज़र के आया हूँ वहाँ पे पत्थर की बनी दो टांगे हैं और धड़ के बगैर हैं। स्टैंड इन द डेज़र्ट, सहरा में खड़ी हैं। नियर देम ऑन द सैंड, रेत पर उनके करीब, यानी कि उन टांगों के करीब रेत पर। हाफ संक, आधा धंसा हुआ। अ शटर्ड, मशक शुदा, विजेज, चेहरा लाइज पड़ा है। वो कह रहे हैं वो जो दो टांगे पत्थर की बनी हैं धड़ के बगैर हैं, उनके करीब एक मशक शुदा चेहरा पड़ा है। हुज़ फ्रोन, जिसकी तेवरी, एंड रिंकल्ड लिप, और जूरीदार होंठ हैं, एंड सनीर, और हकारत है ऑफ कोल्ड कमांड, किसी जालमाना हुक्म की। टेल डैट, वो ये बताती है कि इट्स स्कल्पटर, इसका जो मुजस्मा साज है। वेल दोज पैशंस रेड, कि उसने इन जज्बात को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है। यानी कि ये बताते हैं कि मुजस्मा साज है, वो बड़ा माहिर है। तो उसने उन बादशाह के जो जज्बात हैं बेसिकली उनकी अकासी बड़े दिलकश, बड़े ज़बरदस्त अंदाज से उन स्टोन्स पे, उन स्टैचू पे की है। विच येट सर्वाइव, जो अब भी बाकी हैं, यानी कि वो जो इमोशंस हैं उस बादशाह की वो अब भी बाकी हैं। स्टैम्प्ड, नक्श हैं, ऑन दीज लाइफ लेस थिंग्स, इन बेजान चीज़ों पे। द हैंड डैट मोक्ड देम, वो हाथ जिन्होंने इसकी नकल उतारी, यानी कि जिसने ये मुजस्मा बनाया। एंड द हार्ट डैट फेड, और अपने दिल से इस मुजस्मे के इमोशंस को उभारा। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और उसके जो बेस है, उसकी जो बुनियाद है, ये अल्फाज लिखे हुए हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको इल्म में है कि यूरोप में बेशुमार स्टैचू पाए जाते हैं जिसमें स्टैचू के बारे में ये लिखा जाता है कि ये किसका मुजस्मा है और वो शख्स कैसा था, क्या उसके काम थे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो ओल्ड इजिप्टियन किंग्स थे, इनको बेसिकली बहुत ज़्यादा शौक था कि दुनिया इनको याद रखे। तो फिर ये अपने स्टैचू बनवाते थे, बड़ी बड़ी जो है वो चीज़ें तामीर करवाते थे पत्थरों को तराश के, ताकि इनका नाम जो है ना वो हमेशा जो है ना वो ज़िंदा रहे। तो इसी तरीके से ये जो रमेसिस टू है, इसने भी बेसिकली अपना एक बहुत बड़ा मुजस्मा जो है ना वो बनवाया था,
ठीक है, ताकि मेरा नाम जो है वो ज़िंदा रहे। तो ये पुराने इजिप्टियन किंग्स का बेसिकली जो है ना ये शौक़ था अपने मुजस्मे बनवाना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं वो जो मुजस्मा है एंड ऑन द पेडिस्टल, और जो वो जो बेस है बुनियाद है, दीज वर्ड्स अपीयर, ये अल्फाज लिखे हैं, माई नेम इज़ ओज़िमेंडियास, मेरा नाम ओज़िमेंडियास है, किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह, लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कामों को देखो, ये माइटी, तुम अजीम लोगो एंड डिस्पेयर, और मायूस हो जाओ। अच्छा, अब ये हमें बेसिकली अजीम बोला है, अजीम बेसिकली उसने जो है ना वो तंजन जो है ना वो कहा है, बताना वो ये चाहता है कि बादशाहों का बादशाह हूँ मैं, ठीक है, जो फैरो रमेसिस टू है, बादशाहों का बादशाह, तारीख के बड़े फिरौनों में से एक फिरौन था रमेसिस टू, जिसका ताल्लुक 13वीं सदी कबल मसीह से है। तो वो कह रहे हैं ए अजीम लोगो, बेसिकली आज के इंसानों को वो अजीम तंजन कह रहा है कि आप जितने भी बड़े बन जाओ, मेरे जितने काम नहीं कर सकते, जो मैंने काम किए, जो मैंने जुल्म किया, जो मेरे पास पावर थी, जो मैंने लोगों को अपनी पावर दिखाई, ये मैटी तुम अजीम लोगो एंड डिस्पेयर, और मायूस हो जाओ, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी बाकी नहीं बचता, राउंड द डिके, कुछ भी बाकी नहीं बचा इस तबाही और बर्बादी के इर्द गिर्द, ऑफ डैट कलोसल रैक, ये जो बड़ी तबाही है, बाउंडलेस एंड बियर, सुनसान है और बंजर है। यानी कि अब बताना ये चाह रहे हैं कि देखो मैं कितना बड़ा बादशाह था, मैंने कितने काम किए, लेकिन कुछ भी नहीं बाकी बचा, और ये मेरे मुजस्मे को ही देखो। यानी कि बेसिकली मुजस्मे के ज़रिए राइटर यहाँ पे हमें नसीहत करना चाह रहा है कि कुछ भी जो है ना बाकी दुनिया में नहीं बचता। तो वो कह रहे हैं ये जो तबाही है वो बहुत बड़ी है, बाउंडलेस, इसकी कोई हद नहीं है, एंड बियरन, और बंजर है। द लॉन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और इर्द गिर्द दूर दूर तक सुनसान चटियल, रेत ही रेत फैला हुआ है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आज की ये जो पोएम है, परसी बैशी शैली ने बड़े अच्छे तरीके से एक मुसाफर के ज़रिए से, जिस मुसाफर ने वो स्टैचू देखा है बादशाह का, उसके ज़रिए से बेसिकली बयान करने की कोशिश की है। और थीम जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि इंसान का बेसिकली जो गुरूर है, ये नेचर है, इंसान अपने कामों पर गुरूर करता है, ये इसका थीम है। डेथ इज़ अ ग्रेट लेवलर, जो मौत है वो हर चीज़ को फना कर देती है, जब भी मौत आती है तो हर चीज़ फना हो जाती है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। लाइफ इज़ मर्सीलेस, और दूसरे तीसरे नंबर पे इसमें बेसिकली जो बेरहम ज़िंदगी है, ये उस पर जो है ना बात की है। तो बेसिकली इंसान बड़े काम करता है, उन पर गुरूर करता है, लेकिन राइटर बेसिकली ये बताना चाहता है कि इंसान का ये गुरूर बेसिकली अल्यूजन है, नज़रों का धोखा है। नेक्स्ट इसके वर्ड्स सिनोनिम पे आते हैं। एंटीक कहते हैं कदीम को, एंशेंट, ANCIENT। संक, दफनशुदा, बरीड, विजेज, चेहरे को बोलते हैं। कोल्ड, हकारत अमेज, स्कॉर। स्टेम्ड, इनग्रेव्ड, कुंदा होना। पेडेस्टल, बेस, बुनियाद। रेक, तबाही, रियून। नेक्स्ट है ट्रंकलेस, धड़ के बगैर, बॉडीलेस। शटर्ड, मसकशुदा, स्मैश्ड। स्नीर, स्कॉर्न, तंज। पैशंस, एहसासात, इमोशंस। मोग्ड, कॉपीड। माइटी, पावरफुल। बाउंडलेस, लिमिटलेस, जिसकी कोई हद ना हो। तो ये स्टूडेंट्स हमारी आज की पोएम नंबर 8 ओज़िमेंडियास, जिसका ओरिजिनल नेम रमेसिस टू है, उसके बारे में हमने जाना, और कॉन्सेप्ट ऑफ फैरो के बारे में हमने बात की, इस पोएम को रीड किया और इम्पोर्टेंट सिनोनिम पे बात की। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला पोएम नंबर 9 के साथ हाज़र होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।